आइए स्टूडेंट्स, अब यहाँ समझ लेते हैं जैकोबी इटरेशन मेथड के बारे में। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन के फॉर्म में इक्वेशन ले लिए हैं। हम इस मेथड में क्या करते हैं, हम शुरू में ही एक्स, वाई और जेड की इनिशियल वैल्यूज को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, लाइक वाइज इन हेयर इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री किसी और तरह से भी लिखे जा सकते हैं। जैसे कि वी कैन राइट ऑल थ्री इक्वेशंस लाइक। अब हम यहाँ पर x की इनिशियल वैल्यू को निकालना शुरू कर देते हैं, मीन्स x इक्वल्स टू। अब आप x इक्वल्स टू देखेंगे तो ये सारी की सारी इक्वेशन जो है वो इधर चली जाएगी इक्वल्स टू के। तो हम ये कह सकते हैं जो इसके साथ कॉफिशेंट में है वो इसके 1 अपॉन में बन जाएगा। तो 1 अपॉन 20 मल्टीप्लाई विद 17 और ये सारी वैल्यू इधर चले गए माइनस के। तो जब हम प्लस के माइनस हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस 2z। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम यहाँ पर y की इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू। जब हम y इक्वल्स टू लिखेंगे तो y के साथ जो कोफिशियंट है वो 1 अपॉन में बन जाएगा, मीन्स 1 अपॉन 20 और माइनस 18। ये इक्वेशन सारी इधर चली गई, तो हमारे पास जो x का कोफिशियंट था वो पॉजिटिव था, वो माइनस में बन गया माइनस 3x, और z का कोफिशियंट माइनस में था तो वो हमारे पास बन गया प्लस में, तो माइनस 3x प्लस z। और फाइनली हम z की वैल्यू को लिख सकते हैं किस तरह से, z के साथ हम कोफिशियंट देखें वो 20, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 20, क्योंकि मीन्स हम z की वैल्यू को बाहर ले आए, बाकी वैल्यू 25 के साथ ये सब माइनस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी हमने बेसिकली इनिशियली x, y और z की तीन अलग अलग तरह की इक्वेशन को फॉर्म आउट कर लिया है, जहां पर हम x इक्वल्स टू कुछ कह रहे हैं, y इक्वल्स टू कुछ कह रहे हैं और z इक्वल्स टू कुछ कह रहे हैं, और उसके बेस पे ही हम अब हम आगे काम करने वाले हैं। इनिशियली हम क्या मान लेते हैं कि इन सब जगह हम यहां पर y जीरो की वैल्यू, क्योंकि अब हमें एक्स वन एक्स टू ये सब फाइंड आउट करना रहेगा, तो इनिशियली हम इसको कह सकते हैं ये y नॉट की वैल्यू है, ये z नॉट की वैल्यू है, सिमिलरली ये x नॉट की वैल्यू है, ये z नॉट की वैल्यू है और ये x नॉट की वैल्यू है, और ये मतलब हमने इसको बेसिकली नॉट यानी बिल्कुल इनिशियल इटरेशन में कंसिडर कर लिया। और अपने क्वेश्चन को शुरुआत करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू को पुट जरूर करना पड़ेगा। तो इनिशियली हमने मान लिया, इनिशियली वी कैन राइट दैट x नॉट इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू z नॉट, और इन तीनों की वैल्यू क्योंकि हमें अभी पता नहीं है तो हम अपनी तरफ से जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी हम ये किस तरह की क्वेश्चन की शुरुआत है, हम इस तरह से हर क्वेश्चन में करेंगे। तो हमने जब यहाँ पर x0, y0 और z0 तीनों को जीरो पुट कर लिया है, तो यहाँ पर हम जरा इसकी वैल्यू को पुट करके देखें। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास x1 आ जाएगा, यहाँ पर ये y1 आ जाएगा, यहाँ पर z1 आ जाएगा। तो x1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 17 माइनस y0 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन विद 2 के साथ, जब इसका साथ 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास बचा। तो इसको लिखा जा सकता है कि x1 equals to 17 upon 20। ठीक है, यहाँ पर हम y की बात कर लेते हैं, y equals to लिखा जा सकता है 1 upon 20 minus 18 minus x0 की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो गया, z की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो गया, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि minus 18 upon 20। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है y equals to minus 18 upon 20 and z equals to, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो 20, तो फाइनली z को हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 20। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पूरा फिल कर देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जीरो है, प्लस में भी हमारे पास जीरो है। तो हमारे पास ये इनिशियल वैल्यूज आ गए, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके पास हम इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 अपॉन 20 इक्वल्स टू 0.85 माइनस 18 अपॉन 20 इक्वल्स टू माइनस 0.9 एंड फाइनली जब हम 25 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.25। अब देखते हैं इसमें हम आगे कैसे करने वाले हैं। इसमें आगे करने के लिए यही वाली इक्वेशन का हम फॉर्मेट करेंगे, मींस अब ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई है, ये y1 की वैल्यू आ गई है, ये z1 की वैल्यू आ गई है, और अब हम जब x2 को फाइंड आउट करेंगे तो इसी इक्वेशन में सक्सेसिव इटरेशन, क्योंकि ये इटरेशन बेस्ड मेथड है, यही इटरेशन चलने वाली है, 1 अपॉन 20 17 माइनस y1 प्लस 2 z1। मतलब हमें कुछ करना नहीं है, इसी इक्वेशन में बेसिकली सक्सेसिव वैल्यूज को हमने पुट कर देना है। सिमिलरली y2 की वैल्यू को निकाला जा सकता है 1 अपॉन 20 माइनस 18 माइनस 3
एक्स वन प्लस जेड वन, जेड वन की वैल्यू को हम निकालें 1/20 25 माइनस 2x1 प्लस 3y1। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन में x1, y1 और z1 की इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को फिल आउट कर दिया। आप देख सकते हैं हमने पूरी की पूरी एक्सप्रेशंस को फिल कर दिया है। अब हम एक इक्वेशन को इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है थ्रू द कैलकुलेटर। आप इस पूरी इक्वेशन को एक साथ लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 17 माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस 0.9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन विद 1.25 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ओपन वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ है। सिंगल शॉट में आपने निकाल दिया 20.4/20 विच इज इक्वल्स टू 1.02। अगर मैं इसको इससे काटूँ तो 1.02 आएगा। ऐसे हम इसके सक्सेसिव सारे के सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने वाले हैं। हमने बाकी वैल्यूज़ को भी y2 और z2 की वैल्यूज़ को इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद निकाला तो -19.3/20 हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आई y2 के लिए, और जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आई है 20.6/20 विच इज़ 1.03 इक्वल्स टू z2। अब हमारे पास फर्दर वैल्यूज़ आ गए हैं x2 के लिए, y2 के लिए और z2 के लिए। अब हम इक्वेशन बनाएंगे x3 को फाइंड आउट करने के लिए, y3 को फाइंड आउट करने के लिए और z3 को फाइंड आउट करने के लिए। हमने देखिए अभी थर्ड इटरेशन में x3, y3 और z3 को कैलकुलेट करने के लिए उसी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया है और यहाँ पर y2, z2 और x2 की वैल्यूज़ को उन्हीं एक्सप्रेशन में रखा है जो इनिशियली हमने फाइंड आउट किए थे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, y2, x2 और z2 की जो पहले हमने वैल्यूज़ निकाले थे हम उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दिखा देता हूँ। एक्स की वैल्यू आई थी 1.02, वाई की वैल्यू आई थी -0.965 एंड z2 की वैल्यू हमारे पास थी 1.03। अब इन इक्वेशन को बेसिकली हम इसमें रखना शुरू करते हैं इन वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा हमारे पास x3 इक्वल्स टू 1/20 17 माइनस y2 विच इज़ -0.965 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद z2 की वैल्यू विच इज़ 1.03। ओके, y3 की वैल्यू को लिख लेते हैं 1/20 -18 माइनस 3 मल्टीप्लाई विद x2 की वैल्यू थी हमारे पास 1.02 प्लस z2 की वैल्यू थी हमारे पास 1.03। और फाइनली हम z3 के लिए निकाल लेते हैं 1/20 25 माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन विद x2 की वैल्यू थी 1.02 प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन विद y2 की वैल्यू हमारे पास थी माइनस 0.965। ये वैल्यू है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन आ गई है और ये हमें बेसिकली कैलकुलेशन दे देगी x3, y3 और z3 के लिए। हमने इसको कैलकुलेटर की हेल्प से यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 20.025 विच इज़ डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू 1.00125। सिमिलरली इसी एक्सप्रेशन को हमने जब सॉल्व किया है तो हमारे पास वैल्यू आई है -20.03/20 विच इज़ इक्वल्स टू -1.0015 एंड फाइनली जब हमने z3 की वैल्यू को निकाला है तो वो 20.065/20 विच इज़ इक्वल्स टू 1.00325। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये सक्सेसिव इन्फॉर्मेशन आ गई है z3 के लिए, ये सक्सेसिव इन्फॉर्मेशन आ गई y3 के लिए, ये सक्सेसिव इन्फॉर्मेशन आ गई है x3 के लिए। अब हम फर्दर क्या काम करने वाले हैं, इटरेशन 4 में हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इसको करना कब तक है, इसको जब हमें कब तक करना है, जब तक कि ये वैल्यू जब तक अपनी पिछली वैल्यू के बराबर नहीं आ जाए। ठीक है, अब यदि कि धीरे धीरे ये पॉइंट्स के 0-0 की प्लेसेस की तरफ बढ़ रही हैं तो अब अगर हमारे पास नेक्स्ट इटरेशन में अगर यही वैल्यूज़ हमारे पास राउंड ऑफ हो जाती हैं तो फिर हम इसको राउंड ऑफ करके बेसिकली अपने क्वेश्चन को बंद कर सकते हैं, क्योंकि -1, 1, 1 ये हमारे पास मिल ही रहा है, क्योंकि पॉइंट के थर्ड प्लेस से शुरू होने वाली वैल्यूज ज़्यादा कोई इफेक्ट डालती नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसको हम x4 एंड z4 किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर x4, y4 और z4 के लिए उसी इक्वेशन में बेसिकली x3, y3 और z3 की वैल्यूज़ को उन पोजीशंस पर रख दिया है, बाकी और कुछ नहीं करना है। यही सक्सेसिव इटरेशंस हमें एंड तक चलाने जब तक कि हमारे पास लगभग पिछले आंसर की वैल्यूज़ को ना मिलने लगे। ठीक है, बेसिक आइडिया आप इसके पीछे का समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। मैं एक वैल्यू रख करके दिखाता हूँ आपको। 17 माइनस y3 वॉज -1.0015। यहाँ पर याद रहे, जब हम ये वैल्यूज़ को रख रहे हैं तो
बिटवीन क्वेश्चन के, यानी क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो उसके बीच में हम किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने राउंड ऑफ कर दिया तो हमारे पास जो आगे आने वाले जो सक्सेसिव आंसर्स हैं उन पर बहुत सीरियस इफेक्ट पड़ सकता है, हो सकता है वो अपने एक्चुअल आंसर से बिल्कुल ही अलग हो जाएं। ठीक है, तो डू नॉट राउंड ऑफ, चाहे इक्वेशन 5 में जाए 4 में जाए जाने दीजिए, कितने भी डेसिमल प्लेसेस में जाता है उसको जाने दीजिए। प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन विद Z3, Z3 की वैल्यू आई हमारे पास 1.00325। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया है तो दिस इज इक्वल्स टू 17 माइनस 1.00155 प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन विद 1.00325 इक्वल्स टू दिस वन डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 20.008 डिवाइडेड बाय 20। हम इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं विच इज इक्वल्स टू 1.0004। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर Y4 और Z4 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। Y4 और Z4 को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया इक्वेशन के हिसाब से। हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आई इस इक्वेशन की डिवाइडेड बाय 20, इस इक्वेशन की वैल्यू निकल करके आई है 19.989 डिवाइडेड बाय 20। इन दोनों को अब हम यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। व्हाट इज दैट, -20.0005 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल्स टू -1.000025। तो अब हम यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं आगे 19.989 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल्स टू 0.99945। अब बेसिकली हम इसको राउंड ऑफ करेंगे पिछली वैल्यू को देखने के बाद, क्योंकि पिछली वैल्यू भी हमारे पास थी 1.00, यानी एक के आसपास। यहाँ पर ये 0.999 बेसिकली इसको भी 1 लिखा जा सकता है। तो हैंस वी कैन कंक्लूड दैट Z4 मे बी रिटन एज 1 एज एन आंसर। यहाँ पर आप देखिए ये -1.0000, मतलब डेसिमल के 4 प्लेसेस तक उसको 0 मिल रहा है। उससे पहले वाला आंसर भी हमारे पास लगभग इतना था, अगली इटरेशन में वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो गया, 0 की तरफ बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि Y4 इक्वल्स टू हमारा आंसर आ गया -1। और Z की तरफ हम जाएँ तो Z पर आप देख सकते हैं हम 1.0004 विच वॉज अर्लियर 1.00125। तो ये भी और ज़्यादा प्रिसाइज 1 की तरफ हो गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि Z(x4) इक्वल्स टू 1 आ गया है। तो हैंस वी कैन कंक्लूड दैट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1, Z4 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस की वैल्यू निकल कर आए हैं और हम इनको आंसर की तरह ले सकते हैं। एक बार क्या करते हैं अपने आंसर को चेक करने के लिए, किसी भी एक एक्सप्रेशन में हम इन वैल्यू को रख करके देखते हैं। सपोज पहली वाली एक्सप्रेशन में हम रख करके देखते हैं कि 20, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 1 आई है तो ये 20 हो गया, y की वैल्यू -1 आई है तो ये -1 हो गया, और यहाँ पर -z की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हमारे पास ये 2 ही रह गया। तो हम देख सकते हैं इसका क्या होगा, 20-1 इक्वल्स टू 19-2 इक्वल्स टू 17। अब देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन में यही दे रखा था तो और हमने यही सॉल्व कर दिया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर निकल करके आए हैं x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1 एंड z इक्वल्स टू 1, ये हमारे आंसर बिल्कुल प्रिसाइज हैं थ्रू दी जैकोबी इटरेशन मेथड। तो आपने देखा बिल्कुल सक्सेसिव इटरेशन मेथड्स के थ्रू हमने ये x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू सक्सेसिवली ऑब्टेन कर ली है। थैंक यू स्टूडेंट्स।